हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आदर्श गांव घोटत बोलते हैं और आदर्श गांव घोटत में ये स्थिति देखो आप, पंचायत के सामने ही हालत ही ख़राब है। जितने कि लोग यहाँ दिन में 100-200 जाते आते जाते हैं, मगर सरपंच इसके बारे में कुछ प्रकार की समस्या को सुलझाता नहीं है और दिन ब दिन यहाँ गंदगी बहुत बढ़ रही है। गंदगी बढ़ने के कारण से लोग बीमार गिर रहे हैं, मगर सरपंच किसी प्रकार की कोई व्यवस्था या कुछ समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। ये हमारे गांव की दशा देखो, ये पंचायत के सामने है, फिर भी सरपंच को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है कि ये गांव के सामने ये क्या दशा है। राज्य सरकार द्वारा अशोक जी गहलोत साहब, हम जन जन के लाडले, जो सफाई स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, मगर देखो हमारे गांव में ये स्थिति है। सरपंच न किसी प्रकार की कोई समस्या को सुनता है, न इसका समाधान करता है। ये गंदगी देखो आप, और मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बोला है कि स्वच्छ अभियान रखना है का है और हर पंचायत में सफाई रखनी चाहिए। न तो कचरा पात्र है, न किसी प्रकार की कोई सफाई अभियान चल रहा है, न यहाँ कोई हरिजन आके सफाई करता है। ये स्थिति है, इसकी वजह से हमारे गाँव में बीमारी की बीमारी फैलती जा रही है। और इसकी हालत देखो आप, इसमें लोग दिन में 100 लोग आते जाते रहते हैं, मगर ये सरपंच आप किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस ये एक देखो आप, फिर बोलो कि हमारे में क्या गलती है। हम सरपंच साहब को बोल बोल के थक गए, परेशान हो गए हैं, परेशान होकर ये हमको करना पड़ा। और जन जन के लाडले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बोला है कि स्वच्छ रखो अभियान। हमारे गांव में मैं 2.5 साल से सरपंच साहब को बोल बोल के थक गया हूँ कि ये गांव काम होना चाहिए। एक बार यहाँ SDM साहब भी आए थे, उनके सामने भी मैंने बोला था कि ये हमारी समस्या है, वो तारीख पे तारीख दे रहे हैं, अभी हमारी एक भी बात समझ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जब भी बोलते हैं कर देंगे कर करके हम परेशान हो गए। परेशान होकर मैंने SDM साहब को एक एप्लीकेशन भी दी है कि गाँव में इंक्वायरी कमेटी बैठाने के लिए। उन्होंने बोला ओके, मैं इंक्वायरी कमेटी बैठा दूंगा और जो भी वो समस्या है वो पूरी करवाएंगे। पहले तो मैं एकता समाचार का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय पे एक तो पंचायत नहीं खुलती है, सरपंच साहब टाइम पे नहीं आ रहे हैं, उप सरपंच साहब नहीं आ रहे हैं, सचिव साहब नहीं आ रहे हैं। मेन लोगों को दिक्कत है आने जाने की, या कोई भी काम लेके आते हैं तो दरवाज़ा बंद मिलता है तो वापस जाते हैं। और दूसरी बात, 45 दिन से हमने 7-8 आदमियों ने RTI लगाई है, उस RTI का जवाब हमने मांगते मांगते 45 दिन हो गए, उसका कोई जवाब अभी तक हमको साफ साफ नहीं मिला है। जब भी सरपंच साहब को हम फ़ोन करते हैं या पूछते हैं या सचिव साहब को पूछते हैं तो सचिव साहब बोलते हैं कि अभी मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है वहाँ लगी है, ये का बहाना करके छूट जाते हैं। और 45 दिन हो गए इस काम को हमने हाथ में लिया, अभी तक कुछ भी जवाब नहीं मिला है। कल भी हमने सरपंच साहब से फ़ोन पर बात की तो वो बोले कि हम जवाब दे देंगे करके हमको गुंगरा कर रहे हैं। और हमारे साथ में दूसरे युवा भी हैं, उनसे भी आप बात पे इस माध्यम से बात कर सकते हैं। तो हमको अभी तक हिसाब नहीं मिला है, हमको हिसाब चाहिए, बस 2 महीना हो गया, 18 तारीख को 2 महीना पूरा हो जाते हैं आज।